है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ट्रकिंग ब्लॉग। और करता हूँ मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत। और करते हैं भाई आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट। जैसे कि भाई आप पिछले ब्लॉग में देख चुके होंगे कि हम रात में घर पे आ गए थे, अपने फूफा जी की गाड़ी झुलवाने काम कराने गए थे इंजन का, तो वो गाड़ी भी यहीं खड़ी है। और अपनी गाड़ी 8680 भी पीछे दिख रही होगी आप लोगों को, तो आ गई है 8680 भी भर के इंदौर से। और ये भर के आई है भाई, देख सकते हो ये रही गाड़ी अपनी 8680। तो भाई अभी मैंने वाश करी, मैंने खुद ने मेहनत करी और पूरी गाड़ी को धोई भाई। तो अभी बस जस्ट धोई और लगाई थोड़ी आगे लेके, क्योंकि भाई काफी पीछे कीचड़ वगैरह हो गया था गाड़ी धोई। तो भाई कैसी लग रही अपनी गाड़ी 8680 देख सकते हो भाई, कमेंट करके जरूर बताना। और फूफा जी की गाड़ी भी उस साइड में खड़ी है 9747। इस गाड़ी का कल झुलवाने से काम करवा के आए थे इंजन का, तो मैंने पिछले ब्लॉक में सारा कुछ बता ही दिया था आप लोगों को कि इस गाड़ी में क्या खर्चा लगा था इंजन में और कैसा काम कराया और क्या काम करवाया, सारा बताया था पिछले ब्लॉक में। तो ये रही भाई अपनी 8680। तो साइड का लुक भी बताते हैं अपनी गाड़ी का, तो देख सकते भाई साइड का लुक भी, तो काफी गंदी हो रखी थी अपनी गाड़ी, तो धो दी भाई। तो भाई अपनी 8680 इंदौर से पानसेमल का माल भर के आई है। तो आज संडे का दिन है भाई, तो संडे को खाली होगी नहीं क्योंकि छुट्टी है भाई, तो इसीलिए भाई खड़ी कर रखी अपनी गाड़ी। तो आज का ब्लॉग भाई, आज के ब्लॉग में दिखाऊंगा आपको कि अपनी गाड़ी में थोड़ा सा काम भी है, वेल्डिंग फेल्डिंग का कुछ टूट फूट हो रखी है, तो वो सारा काम करवा लेते हैं भाई, ये अपने गांव में लेकर के जाते हैं और बताता हूँ आपको मैं कि क्या चीज टूटा है। तो भाई चलते हैं गाड़ी के पीछे और बताता हूँ आपको। देखो एक तो भाई यहाँ का पाइप लगाना है और ये वेल्डिंग टूट गया है थोड़ा सा, उसके बाद में ये पाइप बेंड हो रखा है। तो भाई ये गाड़ी लग गई थी अपनी थोड़ी सी, एक आयसर वाला भाई था उनकी गाड़ी, हम जब उतर रहे थे मानपुर घाट इंदौर से आ रहे थे, छोटा भाई लेके गया था गाड़ी, तो वो गाड़ी पीछे से आके भाई लग गई थी यहाँ पे, तो उसी चक्कर में ये जाली वाली टूट गई, ये जाली टूट गई अंदर चले गई, ये पाइप बेंड हो गया। उसके बाद भाई यहाँ का बम्फर जो है वो जो आगे लगा ऐसा बम्फर यहाँ लगा था वो वाला बम्फर टूट गया है। तो फिलहाल मैं उस बम्फर को लाया हूँ मैं धोने के लिए, तो भाई इसको धो लेते हैं। ये रखा है सामने देख सकते हो, तो वहाँ का बम्फर ये है भाई, तो इसको थोड़ा सा धो लेते हैं दोनों तरफ, और इस तरफ भी धो लेंगे भाई, तो काफी गंदा भी हो रखा देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस हो चुका अपना सारा बम्फर वम्फर धोना, और भाई इस बम्फर में ज्यादा नुकसान तो कुछ हुआ नहीं था देख सकते हो, तो बस ये यहाँ पे थोड़ा सा टूटा था और पीछे से वेल्डिंग उखड़ गया है, तो बम्फर तो फ्रेश ही है भाई, धो लिया मैंने। तो चलो भाई कसते हैं इसको, अभी फिलहाल में कसते नहीं भाई, चलते हैं वेल्डिंग वाले के वहाँ, तो करवाएंगे इसको वेल्डिंग वगैरह। अपने फूफा जी की गाड़ी भी कल कैसे लग रही थी भाई, बम्फर नहीं था आगे की जाली नहीं थी, तो अब लगा दी है भाई देख सकते हो, तो बहुत ही अच्छी लग रही है गाड़ी देख सकते हो। ये कल के ब्लॉग में देखा होगा आपने, ये जाली नहीं थी, ये बम्फर नहीं था, तो भाई ये सब लगवा लिया है और देख सकते हो अभी वाश नहीं करी है, खाली शो शो वाश कर लिया है, घर पे धो लिया है। तो भाई बच्चे काफी इंजॉय कर रहे हैं और शैम्पू घोल लिया है बॉटल में हमारे एंजल बेबी ने, और गुब्बारे उड़ा रही, देखो इधर सब बच्चे आ गए हैं, और ये मेरी क्यूट सी एंजल बेबी है मेरी बच्ची, उड़ाना। तो भाई चल पड़े हैं, निकल पड़े और अपना मकान वो रहा उस साइड में, और जाएंगे भाई वो वाला आगे मकान है वहां पे वेल्डिंग कराएंगे, ले लिया बम्पर ये रहा और अखिलेश भाई अपने ये रहे, तो चलते हैं भाई। और पीछे गाड़ी भी आ रही है तो उसको साइड देना पड़ेगा क्योंकि हमें चलना है यहीं पे, ये सामने बाइक आ रही है यहाँ पे, तो भाई को बोलते हैं निकाल। तो लेंगे यहाँ से टर्न, तो वेल्डिंग वाले भाई का मकान आ गया है यहाँ पे, ये रहा है लगाते भाई यहाँ पे गाड़ी,
कहाँ है चिंटू, कहाँ है चिंटू, काका चिंटू कहाँ है, चिंटू कहाँ है? चिंटू ने वहाँ खाली कर रहा है। वेल्डिंग करवाना है? वेल्डिंग करने तो अपनी गाड़ी के लिए बोला था। चलो ठीक है, यहाँ से उतारना पड़ेगा गाड़ी उधर। तो भाई हो गई अपनी जाली वाली वेल्डिंग, बस एक वेल्डिंग थोड़ा सा पीछे की जाली बाकी है। तो देख सकते हो ये वाली जाली तो करवा ली वेल्डिंग, और नीचे का पाइप भी सीधा कर दिया है, बस साइड जाली रही है। और भाई देखो उंगली में लग गई मेरे, देख सकते हो खून निकल रहा है, ये लग गया भाई। तो चलो क्या करें, अब थोड़ा बहुत काम करने में लग जाता है यार। तो इधर है अपने गिरीश भाई, ये इनकी दुकान है, किराना दुकान यहाँ पे। तो अंदर रखे हैं इनके सामान, देख सकते हो काफी किराना दुकान का, और अपना गाड़ी का काम भी हो रहा है यहीं पे। वो पाइप थोड़ा सा काटना था तो वो काट रहा है भाई बम्फर का, और फिर वहाँ पे नया पाइप लगाएगा। तो चलो करते हैं भाई, अभी तो फिलहाल में जाली हो गई अच्छी, और यहाँ पे बेंड भी रह गया है भाई पाइप का, ये बम्फर का, क्योंकि भाई ये काफी अंदर दबा हुआ था ना इसीलिए। तो चलो भाई करवाते हैं पहले काम वाम, फिर करते हैं आप लोगों से बातें। तो फाइनली गाइस हो चुका अपना सारा वेल्डिंग वेल्डिंग का काम। तो भाई रात ही हो गई, क्या करे, काम करवाते करवाते तो बताता हूँ आपको मैं। वेल्डिंग करवाया भाई, तो देख सकते हो। तो चलते हैं पीछे सीधे गाड़ी के पास। तो ये रहा भाई वो वाला बम्फर जो वेल्डिंग करवाया, वो बम्फर साइड लेग गार्ड बोलते भाई इसको, और बम्फर भी अपनी भाषा में बोल देते हैं। तो करवा लिया इसको भी, और पीछे जाली का काम भी सारा वेल्डिंग का करवा लिया, लेकिन रेडियम सब पूरा निकल गया भाई, देख सकते हो। अभी वापस धोना पड़ेगा, ये पूरा काला हो रखा है, धो देंगे। और सारा रेडियम जल गया भाई, फिर से रेडियम करना पड़ेगा। ये देख सकते हो पूरा वेल्डिंग का काम सारा करवा लिया, और इस साइड में भी जाली अपनी टूट रखी थी, तो इस साइड में भी देख सकते हो ये सारा वेल्डिंग करवा लिया। बस यहाँ का एक पाइप नहीं मिला भाई, तो पाइप कहीं से लाएंगे, तो पाइप भी वेल्डिंग बाद में करवा लेंगे। फिलहाल में अभी तो भाई ऐसा करवा लिया तो अभी अच्छी दिख रही है गाड़ी, नहीं तो भाई उस साइड में बम्फर नहीं था तो बहुत बेकार सी लग रही थी गाड़ी, और यहाँ से भी टूटा हुआ था तो बेकार सी लग रही थी। तो सारा काम कंप्लीट करवा लिया है, और आ चुके हैं भाई घर पे। तो चलते हैं घर। तो भाई आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना, और जिस जिस भाई ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी से भाई 5K करवा दो, और इंस्टाग्राम पर भी जा करके फॉलो कर लो, आईडी का नाम भाई सेम है विक्की ट्रकिंग ब्लॉग। और इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और मजे में रहिए। टाटा एंड गुड नाइट भाई।